नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम धार। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने सूचना के तहत जानकारी जुटाकर मामले का किया खुलासा। आदर्श रोड घोड़ा चौपाटी से इंदौर नाका तक आदर्श सड़क के मध्य डिवाइडरों पर डेल्टीनेटर लगाने के नाम पर लाखों रुपए घोटाले का मामला उजागर किया है। सुनील सावंत ने बताया कि आदर्श रोड के मध्य 450 डेल्टीनेटर लगाया दर्शाया गया है, जबकि 243 नग डेल्टीनेटर लगाए गए हैं। खरगोन की इंटरप्राइजेस से 985 रुपये प्रति नग क्रय कर 450 नग लगाना बताया गया है। सावंत ने मीडिया को मौके पर ले जाकर वस्तु स्थिति दिखाई और त्रिमूर्ति चौराहे से इंदौर नाके तक डिवाइडरों पर डेल्टीनेटर की जगह पर जालियां लगी हुई हैं। सुनील सावंत ने आरोप लगाया नगर पालिका ने यहाँ पर डेल्टीनेटर लगाना बताकर पूरी राशि का भुगतान फर्म को कर दिया और लाखों रुपए का घोटाला किया। इसी प्रकार घोड़ा चौपाटी से जिला अस्पताल तक अग्रवाल इंटरप्राइजेस से 255 नग डेल्टीनेटर 348 रुपए प्रति नग खरीदना बताया गया, जबकि वास्तविकता में 210 नग ही डेल्टीनेटर लगाए गए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने आरोप लगाया कि अनेक स्थानों पर सीमेंटेड ब्लॉक के साथ डेल्टीनेटर उखड़े हुए दिखाई दिए और कई जगह तो डेल्टीनेटर नज़र ही नहीं आए। सावंत के आरोप हैं कि इन डेल्टीनेटर को निकालने के बाद इसी सामग्री को नई बताकर फर्जी बिल जरिए गड़बड़ी की जा रही है। सावंत ने मांग की धारनगर में सौंदर्यकरण के नाम पर डेल्टीनेटर लगाने व खरीदने के नाम पर फर्जीवाड़ा कर भ्रष्टाचार किया गया है, उसकी जाँच कराई जाए। जिस तरह से त्रिमूर्ति नगर से इंदौर नाका तक सड़क के मध्य जो बड़ी जालियां लगी हुई हैं, ठीक उसी तरह आदर्श रोड व घोड़ा चौपाटी से भोज अस्पताल तक जालियां लगाई जाएं। घोड़ा चौपाट से इंदौर रोड तक ये 985 पाइप लगाए, जबकि इन्होंने ये 385 वाले पाइप लगाए। ये अग्रवाल इंटरप्राइजेस के लिए पाइप है 384 रुपये का और कागज इन्होंने 985 रुपये का दर्शाया। आप देख लेना, ये आप पे लिखा है, इन्होंने लिखा है घोड़ा चौपाटी से इंदौर नाके तक 985 पाइप लगाए, जबकि जो पाइप आधी दूर पर लगे 385 वाले बंद हुआ। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, ये यहाँ से तीन जबकि 985 वाले वही आधी दूर लगा है। ये अधिकारियों करप्शन करा, जबकि यहाँ 985 के बिल लगाने के आधे रोड से भाई साहब आपको इन्होंने 60-70 पाइप जो 385 के जबकि इस रोड पर आधे रोड पर इन्होंने 985 का बताया। नगर पालिका को भ्रष्टाचार को लेकर आपका, मैंने ये जो सौंदर्यकरण के नाम पे डेल्टीनेटर जो रोडों पे लगाते हैं, रोड के आसपास लगाए जाते हैं, उसका बहुत बड़ा घोटाला उजागर करा धारनगर वाले। उसमें क्या है, शंकर इंटरप्राइजेस जो है खरगोन की है, उनके द्वारा इन्होंने 450 नग लिए हैं 995 के हिसाब से। ये घोड़ा चौपाटी आदर्श रोड से इंदौर नाके तक लगाना है, वहीं इन्होंने उस डेल्टीनेटर को घोड़ा चौपाटी से एक त्रिमूर्ति नगर चौराहे बीच में आता वहाँ तक लगाए हैं, वो भी 43 नग, जबकि त्रिमूर्ति नगर चौराहे से आगे इंदौर नाके तक 4-4 फुट की बड़ी बड़ी जाले अभी 6 महीने पहले लगाई है, ठीक है। और एक नग 985 रुपये का है, इन्होंने 243 नग लगाया। और दूसरा इन्होंने एक और अग्रवाल इंटरप्राइज है, उनसे भी इन्होंने 255 नग खरीदे, उनकी कीमत जो है 350 रुपये। तो इन्होंने जो 350 वाले नग है वो 985 में तो वहाँ पर लगाए, जबकि वहाँ पे पूरे 985 रुपये के पाइप लगना थे। बाजार में पाइप की वास्तविक कीमत क्या है? बाजार कीमत हमने जो निकाली, हमने अपने स्तर पे जो भी 2-3 दुकानों पूछा, उन्होंने कहा हम कंप्लीट पाइप जो है 250 रुपये दे सकते हैं आपको कंप्लीट पाइप। नगर पालिका द्वारा क्या रेट में भुगतान किया गया? नगर पालिका शंकर पैटर्स को 985 और अग्रवाल इंटरप्राइज को 350 रुपये में किया गया। तो आदर्श रोड पर नगर पालिका जब 455 नग लगाना थे, वहाँ 233 नग ही लगाए, मतलब 250 नग का 2.5 लाख का घाटा तो वहीं इन्होंने कर लिया। और जो कि 985 पाइप लगना थे कीमत वाले, वहाँ पर इन्होंने 350 रुपये वाले इन्होंने पाइप लगाए, वहाँ 2-2, 3-3 घोटाला आदर्श रुपये इन्होंने कराए और ये लाखों रुपये का घोटाला है। और इनकी दूसरी मोनोपाली है नगर पालिका कर्मचारी जो। खबर समय जगत के लिए धार से अल्ताफ खान की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।